हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज का जो हम क्वेश्चन पेपर लिए हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2005 का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन पेपर यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो एक बार चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच जरूर करें। सबकी प्लेलिस्ट भी बन गई है और हमारे चैनल पे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, जीआरसी लेक्चरर केमिस्ट्री, सीएसआईआर, नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, आईआईटी, जेम, इन सब की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ से 47 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। 47 क्वेश्चन है, चालकता मापन द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि संकुल CONH3CL2 में कुल आयनों की संख्या है। यानी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया है, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम कोबाल्ट का है। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ आयंस क्या है, कितने हैं। 48 क्वेश्चन है, निम्न संकुलों में से किसकी प्रभावी परमाणु संख्या शेष तीनों से भिन्न है। यानी किसका एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तीनों से डिफरेंट है। अब 49 क्वेश्चन बताना है, बोरान इलेक्ट्रॉन की लुईस अम्लता का क्रम क्या है। यानी जो लुईस एसिडिटी है उसका जो आर्डर है वो क्या है बोरान इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसकी लुईस एसिडिटी का आर्डर बताना है आपको। 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रेडियस रेशियो रूल दिया है और उसका वो दिया है, स्ट्रक्चर्स दिया है कि कौन सा रेडियस रेशियो रूल किस स्ट्रक्चर्स को शो करता है, तो यहाँ पे आपको उसको मैच कराना है। 51 क्वेश्चन में पूछा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर बताना है। नेक्स्ट है, जो भी परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव में आपको क्या बताना है, जो आपके शील्डिंग इफेक्ट्स होते हैं अथवा जो आपके क्या होते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट होते हैं, इसका आपको आर्डर बताना है। 53 में जो बताना है कि गलत जो फॉल्स ऑप्शन है वो कौन सा है। इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा आपका गलत ऑप्शन होगा। 54 क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्ध्य निम्न में से किससे व्युत्क्रम संबंध रखती है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 54 क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल का जो सही आर्डर है वो क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा CH4 मेथेन का होता है, फिर H2 का, फिर अमोनिया का, तो ऑप्शन ये क्या होगा, राइट होगा। 56 क्वेश्चन में है, बताना है कि कौन सा जो मेल है ऑप्शन वो करेक्ट है। वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर जो हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी हाई स्पिन होती है। D4, D5, D6 एवं P7 के जो दुर्बल यानी वीक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो लो स्पिन होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी डेल्टा टी और डेल्टा वो ज़्यादा होता है डेल्टा टी से, इसमें बताना है। नेक्स्ट है D5, कौन सा ऑप्शन राइट।